वन ना हो तो जीवन संभव नहीं है, क्योंकि वनों के कटने से दिनों दिन पृथ्वी पर होने वाली वर्षा में कमी होती जा रही है। इसलिए अधिक से अधिक पौधारोपण ही पर्यावरण के संतुलन को बनाए रख सकता है। इसी क्रम में शुक्रवार को गंगोत्री देवी महिला पीजी कॉलेज में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। इस दौरान सर्वप्रथम पौधों की पूजा अर्चना कर पौधारोपण किया, साथ ही कार्यक्रम में छात्राओं को शपथ दिलाई गई। जीवन में सभी अपने जीवन में कम से कम 5 पेड़ अवश्य लगाएं और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लें। इस दौरान कार्यक्रम में उप प्राचार्य डॉक्टर प्रियंका त्रिपाठी, डॉक्टर नूतन त्रिपाठी, श्री आशुतोष मिश्रा, डॉक्टर रेणु गौड़, प्रतिया गौरी पांडे, सीमा श्रीवास्तव, अजीता तथा पूजा पांडे आदि समेत समस्त स्टाफ एवं छात्राएँ मौजूद रहें। इस संबंध में गौरवपूर्णी संवाददाता से बात करते हुए कॉलेज की छात्रा सुप्रिया पांडे और प्राचार्य डॉक्टर पूनम शुक्ला ने कहा, पांडे, वृक्ष लगाने से बहुत फायदे होते हैं। इससे हमको छाया मिलती है, ऑक्सीजन भी मिलते हैं, लकड़ियाँ भी प्राप्त होती है, इससे हर एक काम भी होते हैं। वृक्ष हमारे लिए बहुत उपयोगी है। वृक्ष को हमको लगाना चाहिए, काटना नहीं चाहिए इसको। मैं यहाँ की प्राचार्य डॉक्टर पूनम शुक्ला इससे ये संदेश देना चाहते हैं कि पर्यावरण में संतुलन बना रहे और हमारे समाज में या देश में यह विकट समस्या हो रही है, जो जल की समस्या है, पर्यावरणीय समस्या है, इस समस्या को दूर करने के लिए हर एक व्यक्ति को यह शपथ लेना चाहिए कि वह 5 वृक्ष लगाए और उनकी सेवा करें। आज मेरे महाविद्यालय में सारे बच्चों ने यह शपथ के साथ इस वृक्षों का रोपण का कार्यक्रम को संपन्न किया।